सुप्रिया सुले की चिट्ठी मिलते ही शरद पवार ने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर एक्शन ले लिया। दोनों की एनसीपी की प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी। शरद पवार के ट्वीट के तुरंत बाद अजीत पवार के खेमे ने भी एक्शन लिया। मीडिया से मुखातिब प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष पद से जयंत पाटिल को हटा दिया है और पाटिल की जगह सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया है। मी आपल्याला सांगू इच्छितो, मी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आमदारांनी आणि पक्षांनी मला तिथं विधिमंडळामध्ये नेता केलेला आहे आणि त्यामुळे जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड या दोघांना डिस्क्वालिफाय करण्याच्या संदर्भामध्ये बारी बारी से दोनों गुट मीडिया से मुखातिब होते रहे, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा देते रहे। शरद पवार के करीबी और अजित पवार की जगह महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए गए जितेंद्र आवाहट ने पार्टी संविधान के पन्ने दिखाए। मकसद ये बताना था कि अजित पवार चाहे जितने भी विधायक ले जाएं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चलती है। अजित पवार के पास किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। हमने अपना पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर कर दिया है, हमने हमारा लीगल स्टैंड क्लियर कर दिया है। एनसीपी में मची उठापटक पर उद्धव सेना शरद पवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। सांसद संजय राउत ने बीजेपी को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बता दिया तो आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी शरद पवार की हैसियत को सबसे बड़ा बता दिया। उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है, कौन ने मेरे कहाँ गया नहीं गया। शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है, उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा। पवार साहब के पार्टी में कुछ लोगों ने निर्णय लिया है, वो तो इनडिसिप्लिन रिएक्शन तो होता है। अब उसके अंदर पार्टी में क्या है उनके साहब के पवार साहब के, तो मैं क्या उसका पर टिप्पणी करूँ, लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ भी हो गया। रविवार को जिस अंदाज में अजित पवार ने खेला किया उसने शरद पवार की जमीन ही खिसका दी, लेकिन मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे सुबह होते ही शरद पवार के साथ आ गए। दिमाग पर दिल वाले उनके ट्वीट ने शरद पवार खेमे को हौसले से भर दिया। जितेंद्र आवाहट को कोल्हे की वापसी से जीत की उम्मीद जगी, जवाबी ट्वीट में लिखा, पहला मोहरा लौट आया। एनसीपी पर कब्जे की लड़ाई लंबी चलने वाली है, चुनाव आयोग से विधानसभा तक दोनों गुटों की दावेदारी पर दलीलों का लंबा दौर चलेगा, लेकिन असली लड़ाई कार्यकर्ताओं और जनता की अदालत में होगा, जहां फिलहाल शरद पवार के लिए सहानुभूति ज्यादा दिख रही है। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 24।